वेलकम टू द सोल फूड। आज हम लापसी के साथ मूंग बनाएंगे। हाफ कप ग्रीन मूंग लेंगे, इसे अच्छे तरह से धोना है। एक कप पानी डाल के इसे कुकर में 4 से 5 सीटी लगाएंगे। मसाला प्रिपेयर करेंगे। 1 टेबलस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबलस्पून धाना जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/8 टीस्पून हींग डालेंगे। 1/4 कप पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे। 2 पीस कोकम के डालेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून राई, मसाला जो बनाया था वो डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। 1/4 टीस्पून चीनी, मूंग जो बनाया था वो डाल देंगे। वन टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। हाफ कप लापसी का आटा लेंगे। लापसी ऐसी दरदरी होनी चाहिए, इससे आपकी लापसी दानेदार बनेगी। 2 टेबलस्पून घी डाल के इसे मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। गुड़ का पानी बनाएंगे। 1/2 कप पानी, 1/3 कप गुड़, इसे ढक के रखेंगे। गुड़ के पानी को गर्म करेंगे और लापसी का जो आटा बनाया था इसमें डाल के 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दस मिनट हो गई है, अभी इसे कुकर में 5 से 6 सीटी लगाएंगे। लापसी हो जाने के बाद इसे ठंडा करेंगे। ठंडा हो जाने के बाद इसे हाथ से सेपरेट करेंगे। लापसी को एक प्लेट में निकालेंगे। एक कटोरी में घी और चीनी लेंगे। टेस्ट के अनुसार लापसी में चीनी और घी डालना है। ये हमारा लापसी के साथ मूंग रेडी हो चुका है।